तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक में लेकर आया हूँ ये हमारा मोबाइल फोन रिपेयरिंग के ऊपर आगे का कॉन्सेप्ट के ऊपर टॉपिक है। जैसा कि दोस्तों हम आपको जो वीडियो लेकर गए हैं ये मोबाइल फोन रिपेयरिंग, मोबाइल फोन चेकिंग कॉन्सेप्ट, मोबाइल फोन रिपेयरिंग चेकिंग कॉन्सेप्ट कि मतलब हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन को हम लोग चेक कैसे करते हैं, मोबाइल फोन में से चेक करने का तरीका क्या होता है, इनके ऊपर हम आपको वीडियो लेकर गए हैं। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि मैं बेसिक मोबाइल फोन के ऊपर बहुत बड़ी एक सीरीज लेकर आया हूँ कि कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर किया जाता है, मोबाइल फोन को ठीक करने का तरीका क्या होता है, मोबाइल फोन को रिपेयर करने का सिस्टम क्या होता है, इन सब चीज के ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूँ। कोई भी मोबाइल फोन आता है उससे संबंधित जो प्रॉब्लम आ रही है उनको कैसे ठीक किया जाता है, अगर मोटी भाषा में बोला जाए तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि इस मदरबोर्ड को कैसे चेक किया जाता है, जो हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो मदरबोर्ड दिया है इस मदरबोर्ड को हम लोग कैसे चेक करेंगे, मदरबोर्ड को चेक करने का तरीका क्या होता है, इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों चलो चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर और हम लोग सीखते हैं आज टॉपिक के ऊपर। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो LDO, आज हम आपको जो बताने वाले हैं मोबाइल फोन के अंदर एक हमारा पार्ट्स लगा होता है, कंपोनेंट्स लगा होता है, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, वैसे वो कंपोनेंट्स की कैटेगरी में ही आता है और ये हमारे मोबाइल फोन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं LDO, LDO का पूरा नाम होता है ड्रॉप आउट। आज अगर इस कंपोनेंट के बारे में अगर आप समझेंगे तो मोबाइल फोन के बारे में एक इतनी बढ़िया बेहतरीन आप जानकारी समझ सकते हैं जिस बात को आप देखेंगे। अब क्या बेहतरीन जानकारी है वो मैं आपको जब पूरा समझाता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों ये जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है ये कानपुर में है और कानपुर में सागर मार्केट एक जगह है, मोबाइल फोन की सबसे बड़ी मार्केट है। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक ऊपर कंपोनेंट के ऊपर। LDO, LDO क्या काम करता है, सबसे पहली बात LDO का मोबाइल फोन के अंदर वर्किंग क्या होता है, LDO खराब होने से हमारे मोबाइल फोन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आज हम इन सब चीजों के ऊपर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहली बात तो हम लोग LDO को पहचानना सीखते हैं कि LDO बोर्ड में दिखता कैसे। LDO की बात करेंगे तो LDO हमारा ब्लैक कलर का होता है और इसमें चार पिन पाई जाती है। इसकी बॉडी कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है। उसके बाद हमारे मोबाइल फोन के अंदर LDO ऐसा भी लगा होता है उसमें से पांच पिन होती है, मतलब उसमें पांच पिन पाई जाती है, मतलब चार पिन का भी होता है फाइव पिन का होता है। अब सबसे पहली बात LDO को बनाया क्यों गया है और LDO का यूज क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अच्छा सबसे पहली बात LDO जो हमारा जो कंपोनेंट्स होता है वो हमारा MOSFET और डायोड से मिलकर के बना हुआ है। अच्छा इसका क्या काम है, जब MOSFET और डायोड से मिलकर के बनाया गया है तो ये क्या काम करता है कि हमारे जो भी एक सप्लाई आ रही है उस सप्लाई को रेगुलेट करके प्रॉपर आउटपुट करता है CPU के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, CPU के अकॉर्डिंग, मतलब आप कहना चाहते हैं कि जैसे आपके पानी की टंकी लगी है, पानी की टंकी में से पानी आ रहा है और आपको हाथ में मिल रहा है लेकिन उसकी कमांड कहीं दूसरी जगह से दी हुई है कि भाई तुमको कितना पानी देना है कितना नहीं देना, इस तरीके से जो वर्किंग होती है ऐसे सर्किट को ऑपरेट करने के लिए हम लोग LDO का यूज करते हैं। अच्छा जो ऐसी सप्लाई होती है चाहे तो अगर उस सप्लाई को रेजिस्टेंस के माध्यम से डायरेक्ट कम किया जा सकता था लेकिन उसमें से फिर कमांडिंग का रोल खत्म हो जाएगा। कमांडिंग का मतलब होता है कमांड, पता है किसे कहते हैं, जैसे मैंने हाथ ऊपर किया और ऊपर करो और ऊपर करो और ऊपर करो, अब अच्छा ये और ऊपर करो और ऊपर करो, इसको इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, CPU दिमाग ब्रेन, ये इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो जब इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करता हुआ चला जा रहा है। उसी तरीके से हमारे मोबाइल फोन के अंदर जैसे आपका टच है या मोबाइल फोन के अंदर डिस्प्ले है या मोबाइल फोन के अंदर और भी सारे सेक्शन है और भी सर्किट्स है या और भी मोबाइल फोन के अंदर IC है जो काम करती हैं तो उनको काम करने के लिए कमांडिंग वोल्टेज चाहिए होते हैं। कमांडिंग वोल्टेज का मतलब जरूरत है तो दिया जाएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात कि अगर दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, उसको कम ज्यादा भी किया जा सकता है, उसको जरूरत पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है। तो इस तरीके से ऐसी चीजों को यूज करने के लिए ये हमारा CPU सोचता है तो वहां पर हमारा LDO का इस्तेमाल किया जाता है। LDO मोस्टली मोबाइल फोन के अंदर 4 पिन का पाया जाता है या 5 पिन का पाया जाता है। LDO खराब होने से मोबाइल फोन के अंदर जैसे टच काम करना बंद कर देती है, हैंडसेट आपके डेड हो जाते हैं या मोबाइल फोन के अंदर कोई सर्किट काम करना बंद कर देता है या कोई सप्लाई किसी दूसरी IC को जा रही होती है तो उसको पहुंचना बंद हो जाती है जिससे वो सेक्शन काम करना बंद कर देता है। इस तरीके से बहुत सारी अनगिनत हमारे मोबाइल फोन के अंदर प्रॉब्लम आती है, वो हम लोग सर्किट और सेक्शन में देख करके उसके हिसाब से मोबाइल फोन को क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। अब बात करते हैं कि यह मोबाइल फोन में काम कैसे करता है। जैसा कि मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बताया कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर ये 4 पिन का लगा हुआ है, इसकी बॉडी कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है,
अब इसके अंदर जो पिन होती है, ये आपकी तुम्हारी चार पिन दी हुई है। अगर पांच पिन होती है तो बीच की पिन होती है वो भी ग्राउंड ही होती है मोस्टली। अब जैसे ये पिन है, इस पिन को काम करने के लिए यहाँ से हमारी जो सप्लाई आ रही है, मान लिया हमारी वीपीएच सप्लाई आ रही है, एग्जाम्पल सी बात है 3.7 वोल्ट सप्लाई आ रही है। अब जब 3.7 वोल्ट सप्लाई इसके अंदर इन हो जाएगी, उसके बाद इसका एक पॉइंट जो होता है वो हमारा ग्राउंड होता है, निगेटिव होता है, अर्थिंग होता है। दूसरी सप्लाई जो होती है वो हमारी आउटपुट हो रही होती है। क्या हो रही होती है? आउटपुट हो रही है। आउटपुट होने का मतलब होता है वो किसी सेक्शन को चला रही होती है, किसी सर्किट को चला रही होती है। एग्जाम्पल की बात है, मान लिया आपका टच स्क्रीन का जैक लगा हुआ है या डिस्प्ले का जैक लगा हुआ है, तो उसी को चला रही होती है। इस तरीके से ऐसे हमारे सप्लाई जा रही है। अब उसके बाद यहां से इसको जो कमांडिंग सप्लाई आती है, वो कमांडिंग सप्लाई हमारी कहां से आती है? सीपीयू से आती है। कहां से आती है दोस्त? सीपीयू से। अब सीपीयू क्या काम करता है? इसको कमांड करता है। क्या काम करता है? कमांड करता है। अब जब यहां पर ऐसी कमांडिंग जरूरत होती है कि जब यहां पर ये आ रहा होता है, ये आपका इनपुट एरिया होता है, ये आपका कमांडिंग एरिया होता है, ये आपका आउटपुट एरिया होता है, ग्राउंड होता है, जो इसको बाइसिंग के लिए यूज किया जाता है। अब क्या काम करता है? ये हमारा डायोड और मॉस्फेट का कॉम्बिनेशन होता है। डायोड और मॉस्फेट का कॉम्बिनेशन से हमारे एलडीओ को बनाया गया है। अब ये क्या काम करता है? जो हमारी सीपीयू के अकॉर्डिंग कन्वर्टेड सप्लाई को हमारा क्या काम करता है? आउटपुट करता है। जैसे इसका काम है 1.8 वोल्टेज आउटपुट करना, यहां से वोल्टेज आएगा, ये इसको कमांड देगा, तब यहां से वोल्टेज आउटपुट होगा। वोल्टेज बंद भी किया जा सकता है, सीपीयू बंद कर देगा, वोल्टेज बंद हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है टच की वर्किंग फास्ट हो जाती है, तो वहां पर थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, तो वोल्टेज बढ़ भी जाता है। स्लो हो जाती है तो वोल्टेज कम भी हो जाता है। तो इस तरीके से ऐसी चीजों में यूज करने के लिए हम लोग एलडीओ का मोबाइल फोन के अंदर यूज करते हैं। अब ये जिस सेक्शन में लगा होता है, मैंने तो एग्जांपल एक टच के लिए बताया हुआ है, आपके मोबाइल फोन में वाइब्रेटर के लिए यूज होता है, मोबाइल फोन में पावर आईसी के लिए यूज होता है, इन सब चीजों के लिए हमारा ये एलडीओ ऐसा यूज किया जाता है। और एलडीओ खराब होने से आपका मोबाइल फोन क्या हो जाता है? डेड हो जाता है, सर्किट काम करना बंद कर देता है, जिस सेक्शन में लगा होता है वो सेक्शन काम करना बंद कर देता है। इस तरीके से बहुत सारी अनगिनत प्रॉब्लम आती है। अब देखिए यहाँ पर जो एलडीओ लगा होता है, इस एलडीओ का काम, ये तो सिग्नल है कि चार पिन पांच पिन का लगा होता है, आपके मोबाइल फोन के अंदर जितनी भी सारी सप्लाई आईसियां बनी होती, सप्लाई आईसी को अगर बोला जाए तो पावर आईसी, जितनी भी मोबाइल फोन के अंदर पावर आईसी बनी होती है या पावर आईसी किसी भी सेक्शन के अंदर चलाते हैं, वो चाहे तुम्हारे लैपटॉप में लगी हो, मोबाइल फोन के अंदर लगी हो या किसी और चीज डिवाइसेस में लगी हो, जो ऐसे सर्किट्स होते हैं जहां पर कमांडिंग वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, वहां पर ऐसे वोल्टेज को यूज करने के लिए, ऐसे वोल्टेज जनरेट करने के लिए वहां पर हमारा एलडीओ सर्किट का यूज किया जाता है। अगर पावर आईसी की आप बात करेंगे तो पावर आईसी जो होता है वो बहुत सारे हमारे एलडीओ का ही बंच होता है। अगर आप देखेंगे तो आपके मोबाइल फोन के अंदर जो पावर आईसी लगी होती है ये हमारे एलडीओ का ही बंच होता है। अब एलडीओ का क्या बंच होता है? पावर आईसी के अंदर बहुत सारी, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी पावर आईसी के अंदर बहुत सारी बॉल्स पाई जाती है, ऐसे ऐसे बहुत सारी पावर आईसी के अंदर बॉल्स होती है। फिलहाल बहुत सारी होती है तो हम कितनी ज्यादा बनाएंगे, हम थोड़ा सा आपको समझाने के लिए आपको बता रहे हैं ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें इस चीज के बारे में। इस तरीके से ये पावर आईसी के अंदर हमारी बहुत सारी बॉल्स होती है। अब पावर आईसी के अंदर बहुत सारी बॉल्स होती हैं, तो पावर आईसी क्या काम करती है? पावर आईसी को काम करने के लिए जैसे ये हमारी सप्लाई आ जाती है, जिसको हम लोग वीपीएच सप्लाई बोलते हैं, या 3.7 वोल्टेज सप्लाई देते हैं। अब ये 3.7 वोल्टेज इस पिन पे आ गई, 3.7 वोल्टेज इस पिन पे आ गई, 3.7 वोल्टेज तुम्हारे इस पिन पे आ गई, 3.7 वोल्टेज तुम्हारे इस पिन पे आ गई। जब इसको 3.7 वोल्टेज पावर आईसी को बहुत सारे कई अलग अलग बॉल्स पे पहुंच जाता है तो पावर आईसी काम करती है। पावर आईसी काम करने के बाद पावर आईसी के अंदर कुछ पिन्स जो होती हैं ये हमारी ग्राउंड होती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझाऊंगा तो थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब पावर आईसी को काम करने के लिए सीपीयू से कमांडिंग वोल्टेज आते हैं। कहां से वोल्टेज आते हैं दोस्त? सीपीयू से। सीपीयू से कमांडिंग सिग्नल इसके लिए आया, सीपीयू से कमांडिंग सिग्नल इसके लिए आया, सीपीयू से कमांडिंग सिग्नल इसके लिए आया, सीपीयू से कमांडिंग सिग्नल
इसके लिए है। अब जब सीपीयू से कमांडिंग सिग्नल आ जाएगा तो इससे क्या होगा, हमारे बहुत सारे अलग अलग वेरियस मल्टी वोल्टेज आउटपुट होते हैं, जैसे इससे एक वोल्टेज आउटपुट होगा, इससे एक वोल्टेज आउटपुट होगा, और आपका इससे एक वोल्टेज आउटपुट होगा, इसमें से अगर आप इस सेक्शन में देखेंगे तो इससे एक वोल्टेज आउटपुट होगा। अब ये जितने भी सारे जो वोल्टेज आउटपुट हो रहे हैं, ये आउटपुट वोल्टेज किसी अदर अदर सेक्शन को क्या काम करते हैं, चलाते हैं जाकर। जैसे एग्जांपल से वोल्टेज मैं आपको बात कर रहा हूं, जैसे मान लिया ये मोबाइल फोन में आपको RFIC के लिए वोल्टेज जा रहा है, नेटवर्क IC के लिए वोल्टेज जा रहा है। अब दोस्त नेटवर्क IC के लिए वोल्टेज कब आएगा, नेटवर्क IC के लिए वोल्टेज कब जाएगा, नेटवर्क IC के लिए वोल्टेज जब जाएगा जब CPU बोलेगा। अगर CPU नहीं बोलेगा तो वहां पर वोल्टेज नहीं जाएगा। अब वो वोल्टेज क्यों गया, क्योंकि वहां पर उसके अंदर पावर IC के अंदर बहुत सारे LDO लगे होते हैं। आप कह सकते हैं कि बहुत सारे LDO के बंच को मिला करके ही पावर IC बनाई जाती है, या पावर IC जो है बहुत सारे हमारे LDO का मल्टीप्लाई ही सेक्शन होता है जो हमारा काम करती है। बाकी जब आप क्लासेस में होते हैं तो आपको इसके बारे में सब चीज पूरा डिटेल में आपको बताया जाता है। अभी फिलहाल मैंने आपको बताया कि LDO हमारे मोबाइल फोन में काम कैसे करता है और LDO अलग अलग सेक्शन में लगा कैसे होता है, उसको मोबाइल फोन में उसको पहचाना कैसे जाता है, और कई इसका यूजेस कहां पर होता है, कहां कहां पर इसका हमारा मोबाइल फोन सेक्शन में यूज किया जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि इसको हम बोर्ड में पहचानेंगे कैसे, LDO को आप मदर बोर्ड में कैसे पहचानेंगे, कि बोर्ड में से LDO आपका दिखाई कैसे देता है, कैसी जगह पे लगा होता है, कहां पर लगा होता है, उसको मदर बोर्ड में कैसे देखेंगे। मैं थोड़ा सा, ये मदर बोर्ड है, मैं PCB है, इस बोर्ड के अंदर मैं आपको LDO दिखाने की कोशिश करता हूं और आप इसको अच्छे से समझ सके। अब देखिए जो जैसे मेरे पास जो बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर मैं आपको LDO को पहचान कराता हूं कि मदर बोर्ड में से आप LDO को पहचाने कैसे, LDO को पहचानने का तरीका क्या होता है। एक मेरे पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड का मैंने LDO हटा हुआ है, और एक बोर्ड है इसमें से LDO हमारा लगा हुआ है। मैं दोनों का स्पेस नीचे का दिखा दूंगा और आपको LDO कैसा दिखता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली बात क्या, जब आप मोबाइल फोन के अंदर देखेंगे तो ये जैसे आपकी ब्लैक कलर की लगी होती है IC होती है, छोटे छोटे जो मैंने आपको कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा रखा है, कैपेसिटर है, एक क्रिस्टल है, क्वाइल है, इन सब चीजों के बारे में आपको बता रखा है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम लोग LDO के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये आपके मोबाइल फोन के अंदर जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है, ये आपका LDO कंपोनेंट है। देखिए ये आपका जो चीज पार्ट्स लगा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, LDO। LDO में अगर आप देखेंगे तो इसकी ये पिन माइनस है, ये पिन ग्राउंड है। इस पिन ग्राउंड होने के बाद यहाँ पर देखिए बड़ा सा कैपेसिटर लगा, तो जाहिर सी बात है इस पे हमारे वोल्टेज आ रहे होंगे। ये हमारी सप्लाई की पिन है, सप्लाई की पिन होने के बाद यहाँ पर जो हमारा आ रहा है ये हमारा कहीं ना कहीं एक सिग्नल का पिन है। उसके बाद ये कैपेसिटर लगा है तो यहाँ से एक हमारा वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। सेम उसी तरीके से ये हमारा मोबाइल फोन के अंदर लगा हुआ है, तो इसी तरीके से आप मोबाइल फोन के अंदर मदरबोर्ड के अंदर ये देखेंगे चार पिन का लगा होता है। कितने पिन का होता है, 4 पिन, 1 पिन, 2 पिन, 3 पिन, 4 पिन। कितने पिन का पाया जाता है, 4 पिन का पाया जाता है। 4 पिन का हमारे मोबाइल फोन के अंदर 4 पिन का जो लगा होता है उसको हम लोग LDO बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LDO। LDO का पूरा नाम क्या होता है, लो ड्रॉप आउट। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे मोबाइल फोन के अंदर जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, मोबाइल फोन के अंदर मैं आपको बोर्ड में आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मेरे पास बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आपका 5 पिन का, देखिए जो स्पेस दिख रहा है ना, ये देखिए ये स्पेस दिख रहा है, ये तुम्हारा LDO का ही स्पेस है। 1 पिन, 2 पिन, 3 पिन, 4 पिन, बीच में एक होता है, एक राउंड होता है। तो जो 5 पिन का पाया जाता है, 4 पिन का पाया जाता है, ये हमारे मोबाइल फोन के अंदर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LDO बोलते हैं। तो जितने भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन के अंदर ऐसे LDO को यूज किया जाता है। LDO सैमसंग के मोबाइल फोन में कई बार लाइट सेक्शन में लगे होते हैं, बड़े जो मोबाइल फोन आ रहे हैं वो ये खराब हो जाता है तो डिस्प्ले में लाइट की प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे जो वोल्टेज को आउटपुट करते हैं, वोल्टेज को आउटपुट करेगा तब आपके मोबाइल फोन में डिस्प्ले में लाइट जलेगा। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि जिनके खराब होने से हमारे मोबाइल फोन में पर्टिकुलर एक सेक्शन काम करना बंद कर देता है, सर्किट काम करना बंद कर देता है, हैंडसेट डेड हो जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारी आपके मोबाइल फोन के अंदर प्रॉब्लम आती है, और बहुत सारे जो पावर IC हमारी जो बनी होती है वो LDO का बंची होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोगों ने जो टॉपिक में हम लोगों ने सीखा है वो LDO के बारे में जाना है। LDO को पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया है, LDO का हमारे मोबाइल फोन के अंदर क्या काम होता है, क्या उसकी वर्किंग होती है, इस चीज के बारे में मैंने आपको समझाया है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के ऊपर।
और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम आपको मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे बेसिकली कंपोनेंट्स लगे होते हैं, या मोबाइल फोन प्लेट को चलाने के लिए, इस मदरबोर्ड को चलाने के लिए, इस बोर्ड को चलाने के लिए जितने सारे पार्ट्स लगे होते हैं A to Z, छोटे से लेकर के बड़े से बड़ा तक जितना भी सारा पार्ट लगा होता है, मैं सभी पार्ट के बारे में टोटल ऑल ओवर आपको सिखाने वाला हूँ। इस क्लास को हम लोग बेसिक क्लास बोलते हैं। इसमें से दोस्तों मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जो लोग आज हमको कमेंट करते हैं कि सर हम एक जगह मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीखने के लिए गए थे, काफी टाइम हो गया मुझे काम सीखते सीखते, लेकिन मुझे इस तरीके से बेसिक की डीप नॉलेज नहीं मिली थी। और मैं आपको कहना चाहता हूँ इससे आपको बेसिक की तो डीप नॉलेज मिलेगी मिलेगी, आपको काम करने का तरीका आएगा। और ये वीडियो मैंने इसलिए दिया हुआ है ताकि, अच्छा, जो मैंने आपको इतना सारा वीडियो में मैंने सिखाया हुआ है, जब आप क्लास में होते हैं तो क्लास में भी आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। क्लास में थोड़ा सा और थोड़ा डीप में समझा दिया जाता है कि कोई चीज का बूस्ट होता है तो कैसे बूस्ट होता है, कैसे बूस्ट बनता है, बक क्या होता है, थर्मिस्टर कैसे काम करता है, NTC PTC कैसे काम करते हैं, इन सब चीजों का तरीका थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया जाता है। लेकिन जब आप इन सब चीजों को जब आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए मैं आपको बेसिक से संबंधित आपको 70 से 80% नॉलेज आपको पूरा कंप्लीट आपको सिखा रहा हूँ। ये इतना सारा सब कुछ अगर आप सीख जाते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप मदरबोर्ड को चेक करना सीख जाएंगे। मदरबोर्ड को कैसे चेक किया जाता है, मदरबोर्ड के अंदर पार्ट्स कैसे चेक किए जाते हैं। और आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो ऐसे लोग हैं जो दुकान पर बैठ करके मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कर रहे थे, जो सिर्फ मल्टीमीटर को सिर्फ बैटरी टेस्टिंग और स्पीकर टेस्टिंग तक ही सीमित रखे हुए थे, आज वो मदरबोर्ड को पूरा चेक कर पा रहे हैं। और इन्हीं वीडियो के माध्यम से उन बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिला है, या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट लोग भी इन वीडियो को वॉच करते हैं, देखते हैं, जिनसे उनका बेसिक कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर वो सीखने के लिए एडवांस पे फोकस करते हैं कि एडवांस की चीजों को कैसे काम किया जाएगा। क्योंकि जो हमारा जो नया बच्चा होता है, नया स्टूडेंट होता है, फ्रेशर स्टूडेंट होता है, जिस आदमी को मोबाइल फोन खोलना नहीं पता कि मोबाइल फोन कहाँ से खोला जाएगा, कहाँ से पेचकस डाला जाएगा, कहाँ से ओपन किया जाएगा, कैसे मदरबोर्ड निकलेगा, मदरबोर्ड क्या चीज है, प्लेट क्या चीज है, इन सब चीजों के बारे में जिसको जानकारी नहीं है, तो जब वो देखते हैं तो उनको बहुत सारा एक अच्छा बेहतर एक्सपीरियंस मिलता है और बहुत सारी चीजें समझ में भी आती हैं और उनको ये भी डाउट क्लियर हो जाता है कि हमने सर ने एक चीज समझाई है। और इस वीडियो को हम एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे तो हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारी वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप ही लोगों के सर हेल्प से आज हमारे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। और अगर आप लोग इसी तरीके से अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम लोग जल्द ही 100 के 100 के को पार करेंगे। और आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम आप लोग अगर इसको इतना सीखने सिखाने में मदद करते हैं तो आप भी थोड़ी सी मदद करिए कि वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और हम लोग सजी जो कोर्स सिखा रहे हैं, जितना मिनिमम में सिखा रहे हैं ना, इतना पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करता हूँ, आपको कहीं नहीं सीखने को मिलेगा। और जो आपको टॉपिक, जो आपको कंटेंट, जो सारी चीजें आपको कवर करके दे रहे हैं, वो लोग 50,000, 60,000, 70,000 रुपए खर्च करके भी नहीं सीख सकते। मैं इस लाइन में 18 साल 19 साल से ट्रेनिंग करा रहा हूँ। हमारे साथ में जितने सारे टीम में मेंबर जुड़े हुए, जितने भी सारे बंदे आते हैं, रहने से लेकर के सीखने तक, खाने तक, दवाई तक, यहाँ तक के पूरे क्लास में कैसे सीखना है, आपको सब चीजों का आपका व्यवस्था करते हैं और आपको पूरा अच्छे तरीके से ट्रेंड करके भेजते हैं, ताकि आप मेरे पास जब दोस्त सीख करके जाएंगे तो आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और ये जो ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है, सागर मार्केट पड़ता है, सागर मार्केट ये पूरे मोबाइल फोन की गढ़ है, मोबाइल फोन की खदान जिसको बोलते हैं। यहाँ पर चारों तरफ मोबाइल फोन का ही काम होता है। दूर दूर से लोग मोबाइल फोन का सामान लेकर के जाते हैं यहाँ पर, डिस्प्ले, टच, कॉम्बो, स्पीकर, रिंगर, माइक, हैंड फ्री, बॉडी, टेम्पर, कवर, मोबाइल फोन, कॉम्बो, ग्लास, या रिपेयरिंग करने के जितने सारे टूल, OCA मशीन, माइक्रोस्कोप, DC पावर सप्लाई मशीन, सब सामान मिलता है। आप जितना चाहो उतना ले लो, 2-4 ट्रक सामान ले लो, जितना चाहो उतना सामान ले लो, इतना सारा सामान यहाँ पर मिलता है। तो इससे क्या रहता है कि जो बच्चे सीखने के लिए आते हैं वो मार्केट में सीखते हैं, जो मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन को बनाते हैं, प्लस चारों तरफ वो देखते हैं कि मोबाइल फोन का सामान कहाँ पर मिल रहा है, कहाँ माइक्रोस्कोप मिल रहा है, कहाँ DC पावर सप्लाई मिल रही है, कहाँ टेम्पर मिल रहा है, सब चीजों के रेट लिस्ट लगी हुई वो देखते हैं। तो देखने से क्या होता है कि उनको अलग ही आइडिया लगता है, ताकि अगर वो मोबाइल फोन क्षेत्र में अपना बिजनेस करेंगे, अपनी दुकान खोलेंगे, अपना सर्विस सेंटर ओपन करेंगे, तो सीखने के साथ साथ भाई सामान की भी तो जरूरत होगी, बिना सामान के कैसे काम होगा। तो इससे आपको प्लस पॉइंट ये रहता है कि आपको बहुत सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। ओके सर।